हाँ जी बच्चों, देखेंगे हमने बिल्कुल फ्रेश और बिल्कुल न्यू टॉपिक हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है। टॉपिक का नाम है डिमांड, और आज की क्लासेस में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एक्सपेंशन ऑफ डिमांड या व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड। एक ही क्वेश्चन है, इसको ऐसे भी पूछ सकते हैं, एक्सप्लेन द डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। अब आप लोगों के मन में बहुत सारे सवाल आए होंगे, सर ये सब क्या चीज़ है, तो आइए बिल्कुल पहले डिटेल में डिस्कशन करते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन के ऊपर आएंगे। डायग्राम बनाना सिखाऊंगा, आंसर कैसे लिखना है ये भी सिखाऊंगा, सब कुछ सिखाएंगे वन बाय वन आराम से। एक बार समझे बच्चे, कोई भी कॉमोडिटी है आपके पास में, लेट कर लो कॉमोडिटी एक्स है, तो इसकी अपनी एक प्राइस होगी और इसकी अपनी डिमांड होगी। हर कॉमोडिटी का अपना एक प्राइस होता है और उसका अपना एक डिमांड होता है, तो ऐसे इसका भी अपना एक प्राइस है। ठीक है बच्चे, इसका अपना एक प्राइस है और इसका अपना एक डिमांड भी है। ठीक है बच्चे, तो जनरली आप इस चीज को ऑब्जर्व करते हैं कि इसकी डिमांड ऑलवेज कांस्टेंट नहीं रहती है, डिमांड इसके जो है उसमें चेंजेस आते रहते हैं, डिमांड जो है फ्लक्चुएट रहती है कम्युनिटी की। कई बार उसकी डिमांड बढ़ जाती है, कई बार उसकी डिमांड घट जाती है, बहुत सारे रीजंस होते हैं उसके लिए। बट कम्युनिटी की डिमांड आप ये मत सोच के बैठना कि इतनी डिमांड है तो कल भी इतनी रहेगी और हमेशा के लिए इतनी ही डिमांड रहेगी, वो बढ़ भी सकती है घट भी सकती है, तो डिमांड जो है फ्लक्चुएट होती रहती है। एग्री करते हो इस बात से? अब ये डिमांड फ्लक्चुएट क्यों होती है, क्वेश्चन ये है, तो इसके लिए दो चीज़ें रिस्पॉन्सिबल है। एक तो मैं बात करता हूँ इसका अपना खुद का प्राइस रिस्पॉन्सिबल है। मैं फिर से पूरा देखो स्ट्रक्चर बना के बताता हूँ। कॉमोडिटी है ना आपके पास में, इसकी अपनी एक डिमांड है, और डिमांड आपको पता है वो ज़्यादा या कम होती रहती है, फ्लक्चुएट होती रहती है। इसके पीछे दो रीजंस होते हैं बच्चे, डिमांड घट बढ़ रही है दो रीजन है। एक रीजन क्या है आपका, एक तो बच्चे प्राइस ऑफ गिवन गुड्स, प्राइस ऑफ एक रीजन क्या है, प्राइस ऑफ गिवन गुड्स। प्राइस ऑफ गिवन गुड्स का मतलब क्या हो बच्चे, नॉर्मली आप भी जानते हैं कि एक कॉमोडिटी है, इसकी प्राइस अगर इंक्रीज हो जाएगी तो डिमांड इसकी कम होगी, प्राइस अगर इसकी कम होगी तो डिमांड इसकी ज़्यादा होगी। तो किसी कॉमोडिटी की डिमांड फ्लक्चुएट हो रही है, अप्स एंड डाउन आ रहे हैं, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल क्या है, रीजंस क्या है, फैक्टर्स कौन से हैं, किसके से डिमांड में चेंजेस आ रहा है, उसके प्राइस की वजह से डिमांड में चेंज आ रहा है। तो अगर डिमांड में चेंज आ रहा है तो फिर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर क्या है, तो प्राइस ऑफ गिवन गुड्स। इस कॉमोडिटी का खुद का प्राइस रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। कई बार ऐसे भी होता है कि कॉमोडिटी के अपने प्राइस में कोई चेंज नहीं आया, फिर भी डिमांड फ्लक्चुएट हो रही है, फिर भी डिमांड में चेंजेस आ रहे हैं। अब बोलोगे सर कैसे, तो देख एग्जांपल लेते हैं। कोविड के टाइम में आपने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया होगा कि आपका मास्क एंड सैनिटाइजर की डिमांड बढ़ गई थी कोविड के टाइम में, आप लोगों ने उस टाइम को फेस किया है, तो मास्क एंड सैनिटाइजर की डिमांड उस टाइम पे एकदम से ही ज़्यादा हो गई थी। तो क्या इस वजह से ज़्यादा हुई थी कि प्राइस उसका कम हो गया था, सस्ता हो गया था, इसलिए लोग ज़्यादा ले रहे थे उसको? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है ना, कोविड का एक वेव्स आया था, लोग अपने जो है सिक्योरिटी के उसमें कर रहे थे, तो उस समय क्या प्राइस रिस्पॉन्सिबल था डिमांड में जो चेंज आया था मास्क एंड सैनिटाइजर के लिए? नहीं। तो कई बार ऐसा होता है कि कॉमोडिटी के अपने प्राइस का कोई रोल, प्राइस इसका कॉन्स्टेंट रहता है, जो पहले था वो अभी भी है, फिर भी डिमांड फ्लक्चुएट हो सकती है। और बहुत सारे रीज़न होते हैं, वेदर भी हो सकता है। ठीक है ना, वेदर मीन्स जैसे कि अभी आप देखोगे कि अभी इस समय जो है कोल्ड ड्रिंक और जूस शेक इन सब की जो है डिमांड बढ़ गई है, इसका मतलब ये थोड़ी कि प्राइस कम हुआ है, प्राइस तो वही है। इसमें क्या हुआ जो है वेदर हमारा किसका आ गया, समर का आ गया, तो इसलिए कोल्ड ड्रिंक वगैरह लोग ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे रीजंस होते हैं जहाँ पर प्राइस का कोई रोल नहीं होता है, फिर भी डिमांड फ्लक्चुएट होती है। अब वो जो भी रीज़न है, लाइक वेदर हो गया, मैंने एक दो एग्जांपल लिए, उन सभी रीज़न को हम क्या बोलेंगे, अदर फैक्टर्स। आप समझो प्राइस ऑफ गिवन गुड्स और अदर फैक्टर क्या होता है। प्राइस ऑफ गिवन गुड्स का मीन सिंपल है भैया, इसका डिमांड में चेंज आ रहा है और रिस्पॉन्सिबल और रीजन इसका खुद का प्राइस है, तो इसको बोलते हैं प्राइस ऑफ गिवन गुड्स।
अदर फैक्टर मीन्स क्या होता है कि कॉमोडिटी के प्राइस में कोई चेंज नहीं आया, फिर भी इसके डिमांड में चेंज आ रहा है, प्राइस को छोड़ के बाकी कोई और रिस्पॉन्सिबल है, बस प्राइस रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तो प्राइस को छोड़ के बाकी कोई भी रिस्पॉन्सिबल हो जाए उसको हम अदर फैक्टर की कैटेगरी में डालेंगे। लाइक वेदर मैंने डाल दिया अभी अदर फैक्टर में, बात समझ में आया नहीं है, क्लियर है? तो अब किसी कमोडिटी के डिमांड में चेंजेस आ रहे हैं, कितनी चीज़ें रिस्पॉन्सिबल हो सकती हैं, डिमांड फ्लक्चुएट हो रहा है, कितनी चीज़ें रिस्पॉन्सिबल होंगी? दो चीज़ें, एक तो इसकी खुद का प्राइस रिस्पॉन्सिबल हो सकता है और एक अदर फैक्टर। बट आप ध्यान रखना, आप स्टडी जो कर रहे हैं स्टडी में आप दोनों फैक्टर को एक साथ आप लेके नहीं चल सकते हो, उससे आप किसी भी कंक्लूजन पर नहीं पहुंचोगे, इसलिए आप किसी एक ही फैक्टर को लेके चल सकते हैं। तो जब प्राइस इसका रिस्पॉन्सिबल है इसके डिमांड में, तो आपको मेंशन करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा कि अदर फैक्टर्स आर कॉन्स्टेंट। अदर फैक्टर्स क्या है? कॉन्स्टेंट है, बात समझ में आया आपको? जब आपको पता है कि जब अदर फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है तो आपको लिखना पड़ेगा प्राइस इज कॉन्स्टेंट, बात समझ में आई आपको? क्लियर है? तो जब प्राइस रिस्पॉन्सिबल हो कमोडिटी का तो लिखोगे क्या? ड्यू टू प्राइस ऑफ गिवन गुड्स एंड अदर फैक्टर्स ऑफ एंड अदर फैक्टर्स आर कॉन्स्टेंट, क्लियर है? और अगर अदर फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है तो ड्यू टू अदर फैक्टर एंड प्राइस ऑफ गिवन गुड्स इज कॉन्स्टेंट। तो जो रिस्पॉन्सिबल है बताना है ये रिस्पॉन्सिबल है, फिर दूसरे को कॉन्स्टेंट भी बताना है। अब आपके मन में सवाल आए हैं, क्वेश्चन उठ रहा है, क्या हमें पता कैसे लगेगा कि डिमांड में जो आपने बता दिया ठीक है, डिमांड में जो चेंज आ रहा है उसके पीछे उसका प्राइस का रोल हो सकता है, या फिर प्राइस का रोल नहीं है तो किसी और का रोल है, वो किसी और को यहाँ पर अदर फैक्टर बोल रहे हो आप, ठीक है मान लेते हैं कि वैसा होता है, लेकिन सर हमें पता कैसे लगेगा यहाँ पर डिमांड में जो चेंज आया उसके लिए प्राइस रिस्पॉन्सिबल है या अदर फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, ये बात कैसे पता लगेगी, है ना? चलो आप बता दोगे डिमांड में चेंज आया, तो हम कैसे पकड़ेंगे कि चेंज आया तो किसकी वजह से चेंज आया, प्राइस की वजह से इसके या अदर फैक्टर की वजह से, ये कैसे पता लगेगा, है ना? अच्छा सवाल, तो देखो ये कैसे पता लगेगा। देखो बच्चे, ये तीन वर्ड ध्यान रखना आप, क्या क्या? एक्सपेंशन, एक्सपेंशन मतलब क्या होता है? बढ़ना, क्या होता है? बढ़ना, ठीक है ना बच्चे? और एक होता है कॉन्ट्रैक्शन, वैसे हिंदी में इसको तो विस्तार कहते हैं, कोई बच्चा हिंदी मीडियम का है क्या बैच में? नहीं है ना, हिंदी मीडियम क्या? ये क्या? कॉन्ट्रैक्शन, इसको क्या होता है? संकुचन, इसका मतलब क्या होता है बच्चे? घटना, ठीक है? एक होता है एक्सपेंशन बढ़ना, एक होता है कॉन्ट्रैक्शन घटना, और एक हमारा वर्ड होता है क्वांटिटी, क्वांटिटी मीन्स तो आपको पता ही है जो उसकी मात्रा है क्वांटिटी। ये तीन में से कोई भी अगर आपको सिंगल वर्ड देखने को मिल जाए आपके सवाल में तो समझ जाना तीन में से कोई वर्ड देखने को मिल जाए आपको, ठीक है? तो उसमें जो चेंजेस आ रहे हैं ड्यू टू प्राइस ऑफ गिवन गुड्स, अगर तीन में से वर्ड देखने को मिले आप क्या लिखोगे? एंड अदर फैक्टर्स आर कॉन्स्टेंट, क्लियर है बच्चे? समझ में आया ना? तो कभी तीन में से कोई भी एक वर्ड दिख जाए तो वहां पर आप क्या मानोगे? जो डिमांड में एक्सपेंशन में डिमांड बढ़ रहा है तो कौन रिस्पॉन्सिबल है? प्राइस ऑफ गिवन गुड। कॉन्ट्रैक्शन डिमांड कम हो रहा है, कौन रिस्पॉन्सिबल है? प्राइस ऑफ गिवन गुड्स। क्वांटिटी बढ़ा जाए, कौन रिस्पॉन्सिबल है? प्राइस ऑफ गिवन। अदर देन दीज थ्री वर्ड्स, अगर ये तीन वर्ड नहीं है, क्लियर है? अगर ये तीन में से कोई भी वर्ड नहीं है, इसके अलावा कुछ हो रहा है तो वहां पर रिस्पॉन्सिबल कौन है? ड्यू टू अदर फैक्टर्स,
हाँ जी देखो बच्चे, ड्यू टू अदर फैक्टर्स. अब ड्यू टू अदर फैक्टर्स में अगर आप जाके देखते हैं तो जब ये तीन में से कोई भी वर्ड नहीं हो तो मतलब क्या है, रिस्पॉन्सिबल ड्यू टू अदर फैक्टर. और इसका क्या लिखेंगे, एंड प्राइस ऑफ गिवन. हेलो, ठीक है. और क्या लिखेंगे बच्चे, एंड प्राइस ऑफ गिवन गुड्स इज कॉन्स्टेंट. ये बात समझ में आ गई बच्चे, क्लियर है? ठीक है, क्लियर है? तो अब आपको एक क्लैरिटी आ गई कि भैया जो डिमांड में चेंज आ रहे हैं वो कैसे होगा. अब एक बात तो समझ लो, मैं थोड़ा डिमांड कर्व के बारे में बता देता हूँ. क्योंकि पहले बता चुका हूँ मैं पहली क्लास में, आज हमारी डिमांड की तीसरी क्लास है. पहले दो क्लास का बैकअप आप ले लेना, मैं शेयर कर दूंगा वीडियो. ठीक है, थर्ड क्लास है तो समझ में सब कुछ आएगा यहाँ से भी. तो डिमांड कर रहे हैं पहले बता चुका हूँ मैं, ठीक है ना? तो अब थोड़ा सा मैं आगे बता रहा हूँ. देखो पहले डिमांड कर, पहले थोड़ा रिवाइज करवा देता हूँ क्या होता है. एक गर्व मीन्स डायग्राम. डायग्राम क्या होता है बच्चे? डायग्राम जो कि थ्योरी वर्ड में किसी बात को आप एक्सप्रेस कर रहे हो शब्दों में, उसको चित्र के माध्यम से उस बात को आप एक्सप्रेस करेंगे, उसको हम डायग्राम कहते हैं. तो इकोनॉमिक्स में क्या होता है कि हम वर्ड से भी एक्सप्रेस करते हैं और उसको हम फिर डायग्राम के थ्रू भी उसी चीज़ को हम एक्सप्रेस करते हैं. तो यहाँ पर आपके डायग्राम का भी रोल है. तो डिमांड कर्व का डायग्राम क्या होगा, उसकी डायग्राम की बात कर रहा हूँ मैं. ये एक ओरिजन है, ये ओरिजन है बच्चे, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है. जनरली आपने पहले ग्राफ तो ऐसे देखा है आपने, जिसमें कि ये ओरिजन होता है, ये एक्स एक्सिस होता है, वाई पॉजिटिव, वाई नेगेटिव एंड एक्स नेगेटिव. बट आप यहाँ पर बात कर रहा हूँ डिमांड का और उस कमोडिटी के प्राइस का. तो प्राइस कभी किसी का नेगेटिव देखा है आपने? डिमांड कभी कभी नेगेटिव देखा है आपने? ज़्यादा क्या कर लोगे आप, जीरो डिमांड कर लोगे, नहीं ले रहे हो. बट नेगेटिव डिमांड थोड़ी होता है किसी चीज़ का. तो इसलिए नेगेटिव का कोई रोल नहीं है ग्राफ में, तो इसलिए सिर्फ पॉजिटिव वाला हिस्सा रख रहा हूँ. समझ में आया आपको? जितना आगे बढ़ोगे चीज़ें उतनी ज़्यादा बढ़ती चली जाएंगी, जितना ऊपर जाओगे चीज़ें उतनी ज़्यादा बढ़ती चली जाएंगी ग्राफ में. तो चलिए नीचे एक चीज़ रखते हैं, नीचे क्वांटिटी रख लेते हैं, ठीक है? और वाई एक्सिस पर हम प्राइस का लेवल रख लेते हैं. अब आप क्या ऑब्जर्व करोगे वो देखो. आपको पता है एक बात, क्या पता है आपको, कि प्राइस और डिमांड की बात करूं तो प्राइस इंक्रीज होता तो डिमांड क्या होगा उसका, और प्राइस डिक्रीज होगा तो डिमांड क्या होगा. तो ये जो है प्राइस जिस डायरेक्शन में मूव होता है डिमांड उसके, तो इसको अपोजिट रिलेशन बोलते हैं. अपोजिट रिलेशन बोलते हैं और इसको हम नेगेटिव रिलेशन भी कहते हैं. और भी नाम है बट अभी ये इतना ही देखिए, पता लगा नेगेटिव एंड अपोजिट रिलेशन क्या है. तो प्राइस और डिमांड के बीच में क्या है, देर आर इनवर्स एंड नेगेटिव और अपोजिट रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ गिवन गुड्स एंड डिमांड फॉर इट्सेल्फ, डिमांड ऑफ इट. क्लियर है, ये बात समझ में आई आपको? तो जब भी नेगेटिव रिलेशन कभी भी दिखे ना दो चीज़ों के बीच में, तो डायग्राम लेफ्ट से स्टार्ट होता है एंड राइट पे डाउनवर्ड जाता है, नीचे की तरफ जाता है. ठीक है, जब झरना गिरता है ना नीचे की तरफ ऊपर से, ऐसे कभी नेगेटिव रिलेशन दो चीज़ में पाता है तो वो चीज़ें ऐसे ही नीचे की तरफ गिरती है. कैसे गिरती है जरा देखो, ये तो डिमांड कर्व ऐसा बनेगा इसका. अब आपके मन में सवाल है भाई ऐसा क्यों बनेगा भाई, तो आइए इस चीज़ को भी साबित करता हूँ. देखो पहले तो कुछ भी एक अपना प्राइस ले लो कहीं पर भी, यहाँ पे ये प्राइस है, ये डिमांड है, ठीक है? मैं लिख देता हूँ, ये प्राइस है, ये क्वांटिटी है. कहीं भी प्राइस ले लिया, कर्व को टच करते ही नीचे आना है, पहले भी नीचे नहीं आना बाद में भी नहीं जाना, टच करते ही नीचे आना है. तो ये क्वांटिटी, तो प्राइस क्या है, ओ पी लेवल. प्राइस का लेवल कितना है और डिमांड का लेवल कितना है,
अब मैं काम कर रहा हूं, प्राइस बढ़ा रहा हूं, प्राइस में बढ़ा रहा हूं, कर को टच करा, टच करने क्या करना है, नीचे आना है, P1 प्राइस OP से बढ़कर कितना हो गया, P1, और क्वांटिटी क्या हुआ, बढ़ा या घटा, OQ से आगे जाते हैं तो बढ़ता है, पीछे आते हैं तो घटता है, तो क्वांटिटी क्या हो गया, OQ से घटकर, और आपको देखो डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड, डिमांड यही कहता है कि प्राइस बढ़ता है तो डिमांड तो घटता नजर आया। और देखो दूसरा भी देख लो, देखो प्राइस OP से मैं कम कर करके दिखा रहा हूं, अब देखो आप ऑब्जर्व करो इस चीज को कि प्राइस क्या हुआ, कम हुआ, और डिमांड क्या हुआ आपका, बढ़ गया। तो बेसिकली जो प्राइस और डिमांड के बीच रिलेशन होता है उस डायग्राम को रिप्रेजेंट करता है, तो पता लगे डिमांड कर्व कैसे बनता है, लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड बनता है, क्लियर है। अब मैं अपने क्वेश्चन में लौटता हूँ वापस, मैंने इतना टाइम लिया, बहुत को धीरे धीरे बताया मैंने, लेकिन अब इतना सब बताने का फायदा ये हुआ कि बहुत सारी चीज़ें आपको आ चुकी हैं। कैसे आ चुकी हैं, आइए क्वेश्चन पे आता हूँ मैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सपेंशन ऑफ डिमांड, ठीक है, हाँ जी, पहले फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक्सपेंशन ऑफ डिमांड, क्लियर है बच्चे, ध्यान सुनो, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। अब सबसे पहले आपको डायग्राम बनाना है इसका, ठीक है, एक नॉर्मल डिमांड का डायग्राम बना लो, सामने देखते रहना, अगला क्वेश्चन खुद आपसे करवाऊंगा। नॉर्मली एक डिमांड कर्व बनाओ पहले, जो जनरली एक डिमांड कर्व होता है, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, डिमांड कर्व, एक अपना प्राइस का लेवल, उस पर अपनी एक क्वांटिटी का लेवल, जो नॉर्मल सा एक डिमांड कर्व होता है वो आप बना लीजिए पहले। ये ओरिजन है, ये एक्स एक्सिस है, सॉरी ये डिमांड का लेवल है, ये एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, और यहाँ पर आपका प्राइस है, ये आपका डिमांड कर्व है। नॉर्मल सा ऐसे ही बनाना है डिमांड कर्व, कभी भी सवाल पूछे पहले अपना एक डिमांड कर्व बना लेना, जैसा आप अपने सामने दिख रहे हो ऐसे ये कर सकते हो, ठीक है, लिख देना ये भी, प्राइस, इन सबके मार्क्स कटते हैं नहीं लिखने के, क्वांटिटी, ठीक है, ये कर लोगे भैया। अब आइए कहानी शुरू करते हैं, एक्सपेंशन इन डिमांड, एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है, बढ़ना या घटना, एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है, बढ़ना, तो डिमांड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ये बात समझ में आई पहले आपको, ये बात क्लियर है, डिमांड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब बताओ रिस्पॉन्सिबल कौन है डिमांड यहाँ पे जो बढ़ रहा है, एक्सपेंशन मतलब तो मालूम पड़ेगा आपको बढ़ना, तो ये रिस्पॉन्सिबल कौन है, अदर फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है या उसका प्राइस रिस्पॉन्सिबल है, मैंने बता दिया जब भी एक्सपेंशन वर्ड हो, कॉन्ट्रेक्शन हो या क्वांटिटी हो तो रिस्पॉन्सिबल उसका प्राइस होगा, तो एक बात तो समझ में आ गई, रिस्पॉन्सिबल भैया इसका प्राइस ही है। अब सोचो प्राइस में ऐसा क्या चेंज इसके आया होगा, इससे डिमांड बढ़ गई हो, प्राइस क्या हुआ होगा, डिक्रीज हुई होगी, डिमांड बढ़ रहा है ना, एक्सपेंशन हो रहा है तो प्राइस की वजह से हो रहा है, क्योंकि वर्ड आ गया एक्सपेंशन तो प्राइस रिस्पॉन्सिबल है, तो बताओ प्राइस में क्या चेंज आएगा इससे डिमांड बढ़ेगा, बताओ, हाँ डिमांड, प्राइस डिक्रीज हुआ होगा, तो देख रहे हो ये, तो ये P1 है, ये Q1 है, क्लियर है बच्चे। अब देखो पहले आप डिमांड कर्व पे कहाँ थे, दिस वन, अब डिमांड कर्व पे कहाँ आ गए, यहाँ, पहले मान लो P पॉइंट पे थे तो आप कहाँ गए, Q, तो ऊपर गए डिमांड कर्व पे, नीचे गए, नीचे गए, तो आप इसके बारे में एक बात ले सकते हो, ड्यू टू डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ गिवन गुड्स, इंक्रीज इन द क्वांटिटी डिमांडेड एंड अदर फैक्टर्स आर कॉन्स्टेंट इज कॉल्ड एक्सपेंशन इन डिमांड, बात लिख सकते हो आप, नहीं ले सकते, हाँ भाई क्या लिखना है आपको, ड्यू टू डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ गिवन गुड्स, इंक्रीज इन
क्वांटिटी डिमांडेड एंड अदर फैक्टर्स आर, क्योंकि भैया जब प्राइस रिस्पॉन्सिबल है तो अदर फैक्टर क्या होगा? मैंने एक टाइम पे एक ही चीज रिस्पॉन्सिबल होगा, जब प्राइस रिस्पॉन्सिबल है तो अदर फैक्टर कॉन्स्टेंट, जब अदर फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है तो प्राइस कॉन्स्टेंट, तो लिख दो एंड अदर फैक्टर्स आर कॉन्स्टेंट इज कॉल्ड एक्सपेंशन एंड डिमांड. क्लियर है बच्चे? एक बात और इस पर लिख सकते हो बच्चे, एक कमेंट और कर सकते हो इस पर. क्या ये एक कर पे ही, अगर आप एक कर पे फिसल के नीचे ऊपर जाते हो इसको क्या बोलते हैं? मूवमेंट बोलते हैं. क्या बोलते हैं इसको? मूवमेंट. क्लियर है ना? अगर एक ही कर पे आप फिसलते हो तो इस पर क्या हो रहा है? डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर. क्या हो रहा है? डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर. क्लियर है बच्चे? ये बात समझ में आया आपको? कोई डाउट? अगर मैं आपको यहां पर एक क्वेश्चन ये देता, इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड, अगर आप यहां पर डायग्राम बनाते बच्चे, पहले नॉर्मल डिमांड कर बनाओगे आप, ये डिमांड कर्व है आपका, ये ओरिजन है आपका, ये आपका पी है, ये क्यू है, एक्स है, वाई है. इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड, डिमांड क्या हो रहा है? बढ़ रहा है. तो रिस्पॉन्सिबल कौन है डिमांड बढ़ने के पीछे? एक वर्ड देख लो, आ गया अदर फैक्टर. ये देखो क्या आ गया, तो रिस्पॉन्सिबल कौन है? तीन वर्ड कौन कौन से थे? कॉन्ट्रैक्शन, क्वांटिटी. क्वांटिटी वर्ड आ गया, तो रिस्पॉन्सिबल कौन है? प्राइस. अब बताओ, अब इंक्रीज करना है, प्राइस रिस्पॉन्सिबल है. प्राइस में क्या चेंज करोगे जिससे डिमांड बढ़े? इंक्रीज करना है. तो दोनों का डायग्राम एक जैसा बना या अलग अलग बना? हाँ, तो इसलिए इसको एक्सपेंशन ऑफ डिमांड को हम ये भी कहते हैं, इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड. बात समझ में आया आपको बच्चे? क्लियर है? और इसको हम एक नाम और बोलते हैं, डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर. क्लियर है बच्चे? अब बात समझ में आपको आ गया एक्सपेंशन ऑफ डिमांड क्या है. तो उसके लिए कैसे एक्सप्लेन करोगे? एक डायग्राम बनाओगे, बता दोगे क्या हुआ, फिर क्या हुआ, कौन कॉन्स्टेंट है, बता दोगे कर्व पे क्या चेंज आ रहा है, बता दोगे इसका एक और नाम है. नहीं समझ में आया? सामने देखो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सपेंशन ऑफ डिमांड आपसे ये पूछ रहा है. ठीक है बच्चे? और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड, बात एक ही है. एक्सप्लेन द डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, भाई बात एक ही है. आप समझ में आया तीनों क्वेश्चन का मतलब? क्या कह रहे हैं? एक्सपेंशन ऑफ डिमांड रेफर टू अ राइज इन द क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू अ फॉल इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी. भाई क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गया, क्यों? उसका खुद का प्राइस फॉल हुआ. अदर फैक्टर रिमेनिंग कॉन्स्टेंट, इट लीड्स टू डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व. इट इज ऑल्सो नोन एज द एक्सपेंशन ऑफ इन डिमांड या इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड. एक डायग्राम बना दिया उसने, बस और क्या करा है? बस आप इतना ही कर दोगे बहुत है. ये समझ में आई नहीं है, पहले इसको नोट कर लो बच्चे, जो आपको ये सब करा ना आपने, ताकि अगला क्वेश्चन आप सेल्फ करोगे. हेलो, ये तो समझ में आ गया आप सबको. एक क्वेश्चन आपके पास है बच्चे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड.
कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है बच्चे? कम होना, संकुचित, सिकुड़ना, कॉन्ट्रैक्शन। तो यहाँ रिस्पॉन्सिबल कौन है डिमांड के कम होने के पीछे? तो यहाँ पे प्राइस में कैसा चेंज करोगे? इंक्रीज करो। डायग्राम बन गया। अब प्राइस बढ़ाया तो ऊपर चले गया, तो अपवर्ड मूवमेंट भी कहते हैं इसको। हो जाएगा? एक बार आप डायग्राम बनाओ और उसके लिए जो आंसर लिख सकते हो वो लिख लो अपने वर्ड में, ठीक है? मैं क्वेश्चन है कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। देखो, देखिए बच्चे, नॉर्मल पहले आपको डायग्राम बनाना है आराम से, तसल्ली से, कोई रेस नहीं है। पहले सीख लीजिए, फिर स्पीड पे काम करेंगे। डिमांड कर्व है, ओरिजन है, वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस है। नॉर्मली एक अपना पहले डिमांड कर्व बना लीजिए, बना लिया, प्राइस का लेवल डिसाइड कर लीजिए और क्वांटिटी का लेवल भी डिसाइड कर लीजिए। मेंशन कर दीजिए प्राइस है और ये क्वांटिटी है। अब कॉन्ट्रैक्शन करना है आपने, तो कॉन्ट्रैक्शन मतलब क्या होता है? कम। अब सोचो भैया, डिमांड कम हो रहा है, इसके लिए पहले रिस्पॉन्सिबल फैक्टर कौन है? कौन है रिस्पॉन्सिबल? क्योंकि वर्ड कॉन्ट्रैक्शन आ गया है तो मीन्स प्राइस रिस्पॉन्सिबल है, और डिमांड कम करना है तो प्राइस में क्या चेंज करोगे? प्राइस बढ़ाओगे। तो प्राइस बढ़ गया और डिमांड आपका कम हो गया। क्लियर है बच्चे? समझ में आया आपको? और इसको आप क्या बोल सकते हो? ये ए है, ये बी है। अपवर्ड मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर। तो एक बात ध्यान रखना, डिमांड के साथ ना उल्टा होता है। अगर आप ऊपर जा रहे हैं ना कर पे, तो डिमांड कम होता है। ऊपर जाते हैं डिमांड क्या होता है? और ऊपर जाओगे तो डिमांड क्या जाएगा? और डिमांड पे नीचे आते हो तब डिमांड बढ़ता है। समझ में आया आपको? तो कई बार माइंड सेट रहता है कि डिमांड पे ऊपर जा रहे हैं तो डिमांड बढ़ेगा क्योंकि ऊपर जा रहे हैं, नहीं, कम होगा क्योंकि इन्वर्स रिलेशन होता है। समझे? क्लियर है? अब बच्चे ये बात समझ में आया आपको कि कॉन्ट्रैक्शन क्यों होता है? ड्यू टू इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ गिवन गुड्स। क्लियर है? समझ में आया आपको? अगर चलिए मैं आपके सामने एक वर्ड लिख देता हूँ, उसको समझिए जरा। इसको आप यही बोल सकते हैं ना, क्या? डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड, यही बोल सकते हैं ना बच्चे? डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड। क्वांटिटी बढ़ आ गया, डिमांड कम हो रहा है, क्वांटिटी बढ़ आ गया तो प्राइस रिस्पॉन्सिबल है। सेम डायग्राम, सेम चीज होगा, है ना? क्लियर है? समझ में आ गया? अब मुझे आप जरा इसका डायग्राम बना के दिखाओ तो मैं मानूं। देखो, इंक्रीज इन डिमांड। अब देखो बच्चे, आप इंक्रीज इन डिमांड, पहले एक नॉर्मल डिमांड कर बना लो, एक अपना प्राइस का लेवल, ये तो बनेगा ही बनेगा, ये तो हर हाल में बनेगा। ये ओरिजिन है, वाई एक्सिस है, प्राइस है, क्वांटिटी है, एक्स एक्सिस है, डिमांड कर्व है, ठीक है? प्राइस क्वांटिटी, ठीक है? क्लियर है? देखो, इंक्रीज इन डिमांड, एक बात तो डिसाइडेड है, फाइनल है, डिमांड बढ़ रहा है, इससे कोई दो राय नहीं है। अब रिस्पॉन्सिबल कौन है? अदर फैक्टर, क्योंकि मैंने क्या बोला, अदर देन दीज वर्ड्स, ठीक है ना? अगर तीन वर्ड्स नहीं होंगे, कौन से वर्ड्स? एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन एंड क्वांटिटी, क्या तीनों में से कोई वर्ड है? एक्सपेंशन दिख रहा है, कॉन्ट्रैक्शन, क्वांटिटी, तो मान रिस्पॉन्सिबल कौन है? अदर वर्ड्स, अदर फैक्टर्स, एंड प्राइस ऑफ गिवन गुड्स इज कॉन्स्टेंट। तो आपको डिफरेंस समझ आ रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड इंक्रीज इन डिमांडेड? अगर मैं यहाँ पे एक चीज लिख दूँ आपसे,
दोनों एक ही चीज है क्या? इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड, ये दोनों एक ही चीज है क्या बच्चे? हाँ, यहां पे रिस्पॉन्सिबल कौन है? प्राइस ऑफ गिवन गुड्स. डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ गिवन गुड्स एंड अदर फैक्टर्स आर कॉन्स्टेंट. थ्योरी अलग हो गई है. यहां पे क्या बोलोगे? यहां पे तो भैया वो कोई वर्ड ही नहीं है. तो प्राइस ऑफ गिवन गुड्स इज कॉन्स्टेंट एंड अदर फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल. क्लियर है बच्चे? बात समझ में आया ना? तो आपको पढ़ने में जैसा लगेगा दोनों में डिमांड बढ़ रहा है, बट एक में रिस्पॉन्सिबल कोई और है, इसमें रिस्पॉन्सिबल कोई और है. तो खैर इसके बारे में मैं डिस्कशन कर चुका हूँ, मैं दोबारा नहीं जाऊँगा इस पर, मैं इस पर बात कर रहा हूँ. अब चैलेंज है कि डिमांड कर बनेगा, डिमांड बढ़ेगा तो पक्का. तो क्या प्राइस को छेड़ूँ इसके में, प्राइस को कम करूँ डिमांड बढ़ाने के लिए? हाँ, नहीं कर सकता. क्यों? प्राइस तो क्या है इसका, उसको तो छेड़ ही नहीं सकते. तो कभी भी अदर फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होगा ना, आपको पता है कि अदर फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, तो वहाँ पर प्राइस नहीं छेड़ना, वहाँ पर कर्व को शिफ्ट करना है. डिमांड बढ़ रहा है तो आगे शिफ्ट कर दो, डिमांड कम हो रहा है तो पीछे शिफ्ट कर दो. डिमांड बढ़ा ना तो पैरेलल शिफ्ट कर दो, और आप देखोगे क्या सेम प्राइस पे डिमांड आपका बढ़ गया है ना. तो प्राइस कांस्टेंट भी रहा और डिमांड भी बढ़ गया. क्लियर है ये? बस अगर डिमांड डिक्रीज इन डिमांड होता तो फिर डिमांड कर लेफ्ट वर्ड पीछे की तरफ डिमांड जाता, पीछे शिफ्ट होता है. समझ में आ गया? मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व कब होता है? व्हेन चेंज इन द प्राइस ऑफ गिवन गुड्स. एंड शिफ्टिंग इन द डिमांड कर्व कब होता है? शिफ्ट व्हेन ड्यू टू अदर फैक्टर्स. क्लियर है बच्चे? समझ में आ गया मूवमेंट एंड शिफ्टिंग कब होता है? मैं कुछ बातें आपको बता रहा था, लिख रहा था. प्राइस ऑफ, अब आप वापस यहाँ पे लौट के चलते हैं अपने यात्रा जहाँ से शुरुआत की थी हमने. कम्युनिटी या डिमांड फ्लक्चुएट होती रहती है, उसके लिए दो चीज़ें रिस्पॉन्सिबल हो सकती है, उसका प्राइस और अदर फैक्टर्स. जब भी प्राइस रिस्पॉन्सिबल होगा तो क्या होगा? मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर, ठीक है बच्चे? क्लियर है? और यहां पे आपके पास में अदर फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होगा तो क्या होगा? शिफ्ट इन डिमांड कर. क्लियर है बच्चे? समझ में आ गया आपको? अब आपको ये चीजें क्लियर है, जो भी आज की क्लास में पढ़ाया, डायग्राम बनाना आ गया, थ्योरी लिखना आ गया, क्लियर है ना? अब नेक्स्ट क्लासेस में इसके बाद ही मैं टॉपिक को आगे कंटिन्यू करूंगा. नया टॉपिक अब नेक्स्ट क्लास में डिमांड में ही, एक अलग डिटरमिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल डिमांड पर हम आ जाएंगे. समझ रहे हो? आपके पास पे आप लोगों का जो एग्ज़ाम के लिए मान के चलिए समय कम है, 3 महीने आप लेके चल सकते हैं एग्ज़ाम को लेकर के, जिस पर कि आपके पास पे अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, जुलाई आधा और आधा अक्टूबर मान के चलो. तो 3 महीने में हमारे पूरा कोर्स भी कवर करना है, 3 महीने में हमें लिखना भी है. तो इसलिए साथ के साथ आप उसके अगर नोट्स बना के चलें और अपनी लैंग्वेज को डाल सकें और उसको अच्छे से आप मैनेज कर सकें, तो वो आपको रीड करते ही आप उसको पकड़ पाओगे एग्ज़ाम टाइम में, जब आपके पास 2-3 दिन का, 1 दिन का ऑफ रहेगा तो उस बीच में. क्लियर है? समझ में आ गया? बाकी ये चीज़ें तो मैं आपको प्रोवाइड करवा ही रहा हूँ, नोट्स एंड PDF जो भी मैं बोर्ड पर लिख रहा हूँ, ये आपके एप्लीकेशन पर जा ही रहा है, तो आप वहाँ से भी देख के अच्छे से नोट कर सकते हैं जो भी कुछ इस पर लिखा हुआ है. ये सब कुछ आपको मिलेगा, सब कुछ मिलेगा आपको, ठीक है बच्चे? क्लियर है? तो मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में.